TS-13 आ चुका था और TS-13 में सारी आर्मी अपना नंगा नाचना चाह रही थी, पूरी बेस को फाड़ दे रही थी। पर TS-13 के बाद जैसे ही TS-14 आता है, सभी आर्मी की लंका लग जाती है, फटी पड़ी रहती है। कि कैसे फोड़े पूरा TS-14, हाइब्रिड भी दुखी, हम भी दुखी। तो बिल्डर के पास सभी हीरोज बात कर रहे होते हैं और सारे ट्रुप्स की बिल्डर को बोलते हैं कुछ नया बना दे हमारे गेम में, क्योंकि ये जब से TS-14 आया हम सबकी लंका लगी पड़ी है, सबकी फट के चार हो रखी है, हाथ में आ रखा है आरंभ है, प्रचंड कैसे करें हम। मस्तकों का झुंडी कट के आ जाता है टाउन हॉल के साथ, जैसे हम मारते हैं तो हम भी मर जाते हैं क्योंकि TS-13 तो रहा नहीं है और पीछे के टाउन हॉल। तो भाई बिल्डर के पास जाते हैं सब, पर बिल्डर को ये क्या, बिल्डर सोचता है कुछ नया आइडिया, कुछ अपनी हथौड़ी लाने जाता है और आर्चर रोकना चाहती है आर्चर, पर रोक नहीं पाती और दोनों अटक जाते हैं। पर बिल्डर नाराज नहीं होता, बिल्डर आता अपने गांव, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुलबर्ग के वो खिल जावा, बिल्डर गाना गाते हुए जाता है और फिर तो धुम्मा उठ जाता है मार्केट में। आर्चर कहती है कि अब तुम्हें ही कुछ करना होगा हमारे लिए, सो मत। तो भाई बिल्डर जाता है, तो बिल्डर आ चुका है और फिर यहाँ पे सब गाना गा रहे होते हैं कि चलो अब बिल्डर को बुलाया जाए और बिल्डर को बताया जाए कि भाई तुम कुछ बनाओ, कुछ करो, बैठे बैठे निराश मत हो, कुछ तो नया लाओ। सभी ऐसी ऐसी करने लगते हैं, पर बिल्डर भी अपनी गधी घोड़ी मार्केट में बैठा रहा होता है, कुछ ना कुछ सोच रहा होता है एक तरफ, और यहाँ पे बिल्डर की बुराइयाँ चल रही है और वहाँ बिल्डर मेहनत कर रहा है। ये कहाँ की बात हुई भाई, लाइक सब्सक्राइब ठोक देना और कमेंट कर देना, ये बिजार्ड साहब हमारे कह रहे हैं तो आप भी करना पड़ेगा। तो भाई जब से TS-14 आया था बिल्डर ने कुछ नया बना लिया, गधी घोड़ी उठा करके बिल्डर खुश हो गया। पर सबको पता था कि बिल्डर ही कुछ ऐसा है जो हर समय कुछ ना कुछ नया काम करता रहता, कुछ ना कुछ नई इन्वेंशन पे इन्वेंशन करता जाता। तो क्यों जाती है, कहती है कि भाई तुमने क्या बनाया है, अभी इन्वेंशन करो हमारे लिए, कुछ नया बनाओ, हमारी सबकी फटी पड़ी जाती है, फट के चार हो जाते हैं TS-14 को फोड़ने में। तो बिल्डर उठाता अपनी गधी घोड़ी और बनाने लगता है फटी पड़ी, और फटी पड़ी का नाम बन रख देता है वो। कुछ बनाते बनाते कमरे में बंद करके खुद को अकेले कुछ नया और ताज़ा बना देते और सबको हैरान कर देते, भाई ये क्या आ गया। भाई सब TS-14 में अटैक करने जाते हैं और देखते हैं ये क्या आ रहा है हमारे साथ, सबकी लंका जो डूबी पड़ी थी बेस में 90% निकाल के चलते बनते थे, और ये क्या, इसके आने से ऐसा क्या हो गया 100%। सभी ट्रुप बात करने लग गए अचानक से कि ये क्या बना दिया। पूरे क्लैश गांव में तहलका मच गया, किसी के सब पूछे एक दूसरे से तुम्हें पता है क्या बनाया है। बिल्डर चचा ने सब कह रहे हैं चचा चौधरी तो चचा चौधरी हैं, उन्हें जो बोला गया वो तो बना नहीं सकते, और अब एक नई चीज़ बना दी। सब खुश थे, एक्साइटेड हो रहे थे कि अब इसका भी राज जानेंगे कि बिल्डर ने क्या बनाया। तो सब जाते हैं बिल्डर के पास, क्वीन जाती है पूछते क्या बनाया है आपने ऐसा। बिल्डर कहता है बी हाँ मैं बताता हूँ आपको, क्वीन कहती है जल्दी बताओ फिर पान थूक करके। तो भाई बिल्डर बताता है कि ये मैंने कुछ नया और तगड़ा बनाया है, जब ये इसका नाम है ड्रैगन राइडर, और ये ड्रैगन राइडर का नाम भी मैंने ड्रैगन प्लस राइडर यानी कि नाइट बेस से रखा है, नाइट राइडर से ड्रैगन राइडर। और ये रोबोटिक है, लस्सी की तरह की मेटल बॉडी बना दी है मैंने पेट की तरह, और ये जब भी फूटेगा ना अपने साथ एक डिफेंस को लेके फूटेगा या जो भी उसके पास बिल्डिंग होगी उसे लेके फूटेगा, इसका मेन टारगेट डिफेंस होगा। तो भाई इसे लावा लून के साथ बहुत पहले लोग करते थे अटैक, वैसे ही अब लून प्लस राइडर अटैक करेंगे लोग, और ये बहुत ही पावरफुल अटैक होने वाला है लून राइडर, और भी मस्त मस्त अटैक बनेंगे, अब सबको किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इन आरंभ है प्रचंड बोलना मस्तकों की झुंड उतर जाना तलवारें लेकर के, देख सकते हो आप फट रहा है कैसे, बिल्डर बताता है। बिल्डर तो बता ही रहा होता है कि उतने में इलेक्ट्रोकूट जाता है और इलेक्ट्रोकूटता है। तो भाई यहाँ पे सब नाच रहे होते हैं, युद्ध में चलने की तैयारी कर रहे होते हैं, अपने अस्त्र शस्त्र बांध रहे होते हैं कि अब तो नए ट्रुप के साथ मजे लेंगे, मजे काटेंगे और उसकी भी लंका लगाएंगे और खुद भी लंका मारेंगे। और इसी बात पे पार्टी स्टार्ट हो जाती है, बिजार्ड भी खुश हो जाता है कि ओहो आज तो पार्टी जब तक बटे ओ, ओ, ओ,
यही थी ड्रैगन राइडर की स्टोरी मेरी मुंह जवानी। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना मेरी जान, ये वीडियो तुम पे कुर्बान। चलो यहाँ पे तो पार्टी चल रही है, चलती रहेगी। चलो जब तक वीडियो करता हूँ एंड।